मैं प्रिया आपके साथ। द केरला स्टोरी ने रिलीज के 12वें दिन यानी मंगलवार को 9,56,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 156,69,00,000 रुपए हो गई है। द केरला स्टोरी पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इसने रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार के कलेक्शन को मात दे दी है। खास बात यह है कि द केरला स्टोरी 2 हफ्ते के भीतर ही साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। करीब 30 से 35 करोड़ में बनी इस फिल्म के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट की फिल्मों को इतनी आसानी से पछाड़ देना द केरला स्टोरी की उपलब्धि को दर्शाता है। तू झूठी में मक्कार ने लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। अब तक के फिल्म पठान के बाद साल की दूसरी बड़ी ग्रेसर थी। तीसरे नंबर पर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान थी। सलमान की इस फिल्म के शुरुआती आंकड़े ठीक थे, लेकिन वीकेंड खत्म होते ही उसकी कमाई काफी स्लो हो गई। हालांकि ये फिल्म पूरे इंडिया में 5,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। वहीं द केरला स्टोरी शुरुआती समय में सिर्फ 1,300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। अब द केरला स्टोरी ने इन दोनों मेगा बजट फिल्मों को 12 दिनों के अंदर पछाड़ दिया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।